वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप गाइस आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में अच्छा ही कर रहे होंगे। सो, आज जो मैंने पोल डाला था उसमें सबसे ज़्यादा वोट आए थे कि मैं इस टॉपिक पे रीडिंग करूं कि कौन आपसे ऑब्सेस्ड हो रहा है। ठीक है, तो आज हम वही देखेंगे, आज का टॉपिक वही रहने वाला है कि कौन आपसे ऑब्सेस्ड हो रहा है। और सॉरी मैं थोड़ा लेट हो चुकी हूँ, तो वीडियो थोड़ा लेट भी आ सकता है, अपलोड हो सकता है। ठीक है, टाइमलेस रीडिंग रहेगी, तो जब मिलेगी तब रेजोनेट करेगी। साथ ही जेंडर बेस्ड रीडिंग नहीं है, तो आप लड़के हैं लड़की हैं दोनों के साथ रेजोनेट करेगी। जर्नल कलेक्टिव रीडिंग है, सो प्लीज़ ओपन माइंड होके देखिएगा, जितना रेजोनेट करता है उतना ही रखिए, बाकी का छोड़ दीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो अपलोड हो सबसे पहले नोटिफिकेशन जाए। और साथ ही अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे, जो कि मैंने अबाउट सेक्शन में लिंक किया हुआ है। सो, अभी तक के जो कार्ड्स हैं उन्हें देख के ऐसा लगता है कि ये जो पर्सन है ये एरीज लियो सैजिटेरियस हो सकता है। ठीक है, फायर साइन जो है इनका जोडियक साइन हो सकता है। बॉटम ऑफ डेक आया है टू ऑफ सोर्ड्स। मैं जल्दी से कार्ड्स को अरेंज कर लेती हूँ। आई होप गाइस कार्ड विजिबल होंगे आप सभी को। थ्री ऑफ पेंटिकल और वर्ल्ड कार्ड को मैं दिखा नहीं सकती हूँ, तो इसलिए मैंने उनको हाइड कर दिया है। ओके, सो, यहाँ पे सबसे पहले बता दूँ, ये जो पर्सन है ये एरीज लियो सैजिटेरियस हो सकता है, जो आपसे बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो रहा है। कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है आपके वर्क प्लेस पे हो सकता है, या ये पर्सन जो है आपको सोशल मीडिया पे मिला हो, ऐसा भी हो सकता है कि इन्होंने आपको सोशल मीडिया पे फॉलो करने के लिए रिक्वेस्ट भेजी हो, फिर आपकी बातचीत होने लगी हो, ऐसा हो सकता है। ये पर्सन आपसे लॉन्ग डिस्टेंस में होगा, इसको बुलेट बाइक वगैरह चलाने का बहुत शौक होगा, अगर लड़की है तो मे बी वो चलाती हो, ऐसा हो सकता है। गुस्से में काफ़ी माहिर होंगे, गुस्सा काफ़ी तेज आता होगा, कहीं ना कहीं काफ़ी एनर्जेटिक पर्सन होगा और इसका कम्युनिकेशन स्किल काफ़ी स्ट्रांग होगा, काफ़ी अच्छा होगा। दिखने में पर्सनैलिटी काफ़ी अच्छी है, ये पर्सन काफ़ी रफ टफ टाइप का पर्सन होगा। अगर लड़की है तो इसकी काफ़ी अच्छी हाइट हो सकती है, काफ़ी मैच्योर पर्सन होगा। ठीक है, और लड़की है तो काफ़ी मैच्योर होगी, और अगर ये लड़का है तो जिम वगैरह जाकर अच्छी खासी बॉडी बना रखी है इसने, अच्छे खासे मसल्स हैं इस पर्सन के, वो चीज़ें कह सकती हूँ। और यहाँ पे मुझे ये भी चीज़ें लग रही है कि ये जो पर्सन है ना, पहले पास्ट में ना आपको बहुत ज़्यादा फॉर ग्रांटेड ले रहा था, कहीं ना कहीं इस पर्सन ने आपसे झूठ भी काफ़ी बोले हों, ऐसा हो सकता है। जैसे ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड है बट इसने आपको बताया कि ये सिंगल है। ठीक है, सबकी सिचुएशन अलग अलग हो सकती है, तो आप माइंड मत कीजिएगा, जितना रेजोनेट करे उतना रखना। बाकी इसका ड्रेसिंग स्टाइल काफ़ी अच्छा होगा और ये काफ़ी अच्छे प्रोफेशन में हो सकता है, जैसे गवर्नमेंट जॉब हो गई, या फिर मैं कह सकती हूँ ये पर्सन जो है अपना बिजनेस रन कर रहा हो, ऐसा हो सकता है, या फिर नेवी ऑफिसर हो सकता है, या तैयारियाँ कर रहा है किसी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम की, वो चीज़ें हो सकती हैं। साथ ही ये पर्सन जो है अब्रॉड सेटल होना चाहता है, या इसका बहुत ज़्यादा ही मन है, कभी इसने बताया हो कि इसको अब्रॉड में सेटल होना है या इसको जाना है किसी ऐसी जगह। ठीक है, कोई मतलब इसकी पसंद हो सकती है कि इसका ड्रीम हो कहीं जाना हो। ठीक है, जैसे पेरिस हो गया या ऑस्ट्रेलिया हो गया, स्विट्ज़रलैंड हो गया, कहीं भी मतलब, बट इसका कोई सपना हो सकता है या इसको अब्रॉड में सेटल होना है, इसने कभी बताया हो। या फिर ऐसा हो सकता है कि इसका जो काम है वो कोई एमएनसी वगैरह किसी ऐसी कंपनी में जॉब करता हो, वो चीज़ें हो सकती हैं। बट पास्ट में इस पर्सन ने बहुत ज़्यादा झूठ बोले हैं आपसे, कहीं ना कहीं इस पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा फॉर ग्रांटेड लिया है, या एक टाइम पर ये दो लोगों को डेट कर रहा था, एक टाइम पर दो लोगों को एंटरटेन करना, वो चीज़ें भी हो सकती है। थोड़ा सेल्फ ऑब्सेस्ड पर्सन हो सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि एक इंसान के साथ ये इमोशनल वाली फीलिंग रख रहा था। ठीक है, फीलिंग आ रही थी इसके मन में, जेन्युइनली उस पर्सन को लेकर इसके मन में प्यार था, वो आप हो सकते हैं क्योंकि यहाँ बात हम आपकी कर रहे हैं। और एक पर्सन के साथ ना ये काम के मतलब से जुड़ा हुआ था। ओके, अब ये आप अपनी सिचुएशन देखना
कि किसके साथ क्या था, आपके साथ काम की वजह से जुड़ा हुआ था या आपके लिए फीलिंग्स थी, बट अब भी ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड इसलिए हो रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं आपने इस पर्सन का झूठ पकड़ लिया है, कहीं ना कहीं आपको पता चल गया है कि ये पर्सन कितना मैनिपुलेटिव है, कहीं ना कहीं आपने इस पर्सन का ना असली चेहरा भी देख लिया है जो आपसे ये छुपा रहा था, जो कहीं ना कहीं जो ट्रेडिशनल टैरो डेक होता है उसमें सेवन ऑफ सोर्स देखा है कि अपने ही हाथ काट रहा है, वो अपनी आपको इतना चतुर चालाक समझ रहा है वो। तो वही चीज़ से मुझे लग रही है कि ये पर्सन जो है काफ़ी मैनिपुलेटिव किस्म का इंसान था, लड़की थी, इसको ऐसा लग रहा था कि एक टाइम पे ये बहुत लोगों को बेवकूफ बना सकते हैं या बहुत ऑप्शन ये रख रहे थे अपने पास, ठीक है, कि हर किसी के साथ फ्लर्ट करना, हर किसी को ना एक ऑप्शन की तरह ट्रीट करना, वो चीज़ें हो सकती हैं। आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से देखना, ज़बरदस्ती रेजोनेट मत करना। इनका ड्रेसिंग स्टाइल काफ़ी अच्छा है, फैशनेबल है, काफ़ी मॉडर्न है और दिखने में काफ़ी सुंदर हैं, ये काफ़ी अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी है इनकी और इसी वजह से ये थोड़ा सेल्फ ऑब्सेस्ड पर्सन है, इमेज कॉन्शियस पर्सन है और मुझे ऐसा लग रहा है इसके अंदर कुछ आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ हो सकती हैं, जैसे रीडिंग राइटिंग में हो सकता है या इसको मॉडलिंग करने का बहुत शौक हो या डिज़ाइनर फील्ड से हो सकता है ये पर्सन, ओके। और मैं ये कह सकती हूँ कि गुस्से वाला है, लेकिन एक चीज़ और मैं कह सकती हूँ कि ये पर्सन बहुत इमोशनल भी है, बहुत सेंसिटिव भी है, बहुत जल्दी या तो रोना आ जाता है या फिर मैं कह सकती हूँ कि ये हर किसी के लिए नहीं इतना इमोशनल होता, जिसके साथ अटैच हो जाता है उस पर्सन के लिए ये दिलो जान नुछावर करते, वो वाला है इस पर्सन का। हर इंसान पूरा गलत नहीं होता है, तो कुछ कुछ अच्छी क्वालिटीज़ हो सकती है, जैसे ये पर्सन ना बहुत जल्दी अटैच हो जाता है, बहुत जल्दी केयर करना और बहुत जल्दी कंसर्न दिखाने लगना, वो चीज़ें हो सकती हैं। साथ ही ये पर्सन ना हर किसी के सामने ना अपनी वो इमोशनल साइड नहीं दिखाता होगा, इन केस आपके सामने दिखाई है दैट मीन्स आप थोड़े स्पेशल हैं और इसी वजह से ये आपसे ऑब्सेस्ड हो रहा है। और आई फील दैट कि ये पर्सन ना आपके साथ फ्यूचर भी प्लान कर रहा था या सोच रहा था कि आपके साथ एक फ्यूचर प्लान किया जा सकता है, आपके साथ एक आगे का कुछ सोचा जा सकता है, आगे चला जा सकता है, वो चीज़ें भी हैं। इसको बीचेस वगैरह घूमना बहुत पसंद होगा या ये किसी ऐसी जगह पे रहता होगा जहाँ पे बहुत ही रेतीली सी जगह है, राजस्थान और जो जगहें होती हैं, ठीक है, बहुत वैसी जगह से होगा या फिर जहाँ पे समुद्र बहुत है वहाँ ये रहता होगा या फिर ये किसी हिल स्टेशन वगैरह पर भी रहता हो, जैसे हिमाचल हो गया, उत्तराखंड साइड कहीं वहाँ से हो, ऐसा भी हो सकता है। बाकी ये पर्सन जो है ना देखने में बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सुंदर है। थोड़ा हम आपका भी चेक करेंगे कि आपसे क्यों ऑब्सेस्ड है। अभी पहले हम ये देख लेते हैं कि ये पर्सन है कौन जो आपसे ऑब्सेस्ड हो रहा है। कहीं ना ये पर्सन अपनी गलतियों को नहीं मानता होगा, ये भी चीज़ें हैं, ठीक है। ये पर्सन ना कभी भी अपनी गलती नहीं मानेगा, इसको लगता है कि ये हमेशा से ही सही है, ये सही इंसान है, मतलब इसको ना अपने अंदर कभी खोट नहीं दिखता होगा, वो चीज़ें भी मैं कह सकती हूँ, क्योंकि काफ़ी हाईली एजुकेटेड पर्सन होगा या मैं कहूँ काफ़ी वेल सेटल्ड फैमिली से बिलोंग करता होगा, ऐसा हो सकता है। या फिर ये चीज़ कह सकती हूँ कि इसने जो भी किया है, जैसे बिजनेस रन कर रहा है या फिर गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहा है या किसी ऐसी जॉब में है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इसको खुद के दम पे मिली है वो चीज़, ठीक है, इसने किसी का रेफरेंस वगैरह नहीं लगाया, उसके लिए खुद मेहनत की है इसने, और इसी वजह से ना इसको थोड़ा घमंड भी है, ईगोस्टिक टाइप का पर्सन ये हो सकता है, ठीक है। ये 8 नंबर वाले हो सकते हैं या 1 नंबर वाले हो सकते हैं, काफ़ी नॉलेजेबल होगा, काफ़ी विजडम को कैरी करना, वो चीज़ें हैं। साथ ही ये पर्सन ना थोड़ा अपने लुक्स को भी लेकर ये है इसके अंदर कि मैं बहुत स्मार्ट हूँ, मैं बहुत सुंदर हूँ, लाइक अगर लड़की है तो थोड़ा इसको है घमंड अपनी ब्यूटी का, ओके, वो चीज़ें भी हम कह सकते हैं। इस पर्सन को ट्रैवल करना बहुत पसंद होगा या ये किसी ऐसी कंपनी में काम करता होगा जो टूर एंड ट्रैवल से रिलेटेड है, या फिर ये पायलट हो सकता है, एयर होस्टेस हो, ऐसा भी हो सकता है, बट इसको ट्रैवल करना बहुत पसंद है।
दूसरी चीज ये है कि ये पर्सन ना अपनी एज से बढ़कर बातें करना, अपनी एज से बढ़कर इसमें ज्ञान बुद्धि वो वाली चीजें हो सकती है। 8 नंबर जो मैंने कहा ना वो हो सकता है। ये अपने ट्रेडिशन को काफी वैल्यू करता है, काफी ज्यादा। दूसरा ऐसा भी हो सकता है कि इसको काफी नॉलेज है, ठीक है, बाहर के देशों वगैरह की, मतलब वो चीजें भी हो सकती हैं। मैजिक गार्डियन, अनलॉक द मैजिक विद इन। मे बी ये साइकिक हो सकता है। ट्रस्ट योर टैलेंट एंड चेंजिंग टाइम, तो मे बी ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन काफ़ी टैलेंटेड हो, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि ये एक टीचर भी हो सकता है, या इसके जो एंसेस्टर वगैरह हैं वो इसको ना काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्शन देते हैं, कहीं ना कहीं उनकी ब्लेसिंग की वजह से भी इसके काम बन जाते हों, वो चीज़ें मैं कह सकती हूँ। दिखने में काफ़ी अच्छा होगा, काफ़ी चतुर चालाक होगा, ठीक है, और ये एनिमल्स से बहुत ज़्यादा प्यार करता होगा। साथ ही मुझे ऐसा भी लग रहा है कि इस पे ना माँ लक्ष्मी की काफ़ी कृपा हो, मतलब फाइनेंशियली काफ़ी अबंडेंट पर्सन होगा ये। और देख लेते हैं आप में ऐसा क्या है जिसकी वजह से ये पर्सन आपसे ऑब्सेस्ड है। ये थोड़ा सा ना एज में आपसे बड़ा भी हो सकता है, ठीक है, थोड़ा नहीं थोड़ा ज़्यादा ही बड़ा हो, ऐसा हो सकता है। या अगर सेम एज में भी होगा ना ये पर्सन, तो ये थोड़ा बड़ा दिखता होगा, मैच्योर पर्सन दिखता होगा, और इसकी बातें भी कुछ ऐसी ही होंगी, मतलब बड़ों वाली, अपनी एज से बढ़कर बातें करना। अब आप में ऐसी कौन सी क्वालिटी है जिसकी वजह से ये पर्सन ऑब्सेस्ड हो रहा है। ओके, वर्ल्ड कार्ड जो है अगेन रिपीट हुआ है, जिसको मैं नहीं दिखा सकती हूँ, उसको मैं हाइड कर रही हूँ 10 of Pentacles से। ओके, तो इसको ना कहीं ये चीज़ लगती है कि आप भी एक फैमिली ओरिएंटेड पर्सन हैं, ये भी अपनी फैमिली से काफ़ी ज़्यादा प्यार करता है, मतलब अपने बड़े जो हैं इसके पेरेंट्स वगैरह उनकी जैसे ही रिस्पेक्ट करता है, उनकी वैल्यूज़ की जैसे रिस्पेक्ट करता है वैसे ही आप में भी है। साथ ही आपके साथ आगे बढ़ा जा सकता है, आपके साथ मैरिज की जा सकती है, आप एक मैरिज मटेरियल टाइप के पर्सन हो। दूसरी चीज़, अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हो, क्योंकि ये पर्सन बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल और लॉजिकल है, तो इसलिए ये चीज़ इसने देखी है कि आप काफ़ी अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हो, काफ़ी वेल्थ है आपकी फैमिली के पास, और कहीं ना कहीं ही आप एक सॉलिड जो फैमिली होती है ना अच्छी वाली, लाइक आप वहाँ से बिलोंग करते हो, फैमिली बिजनेस वगैरह हो, ऐसा हो सकता है। साथ ही ये आपके जैसे आपका कोई बिजनेस है, तो मे बी ये आपके बिजनेस पार्टनर में हो, ठीक है, वो चीज़ें भी हो सकती हैं कि आपकी फैमिली इनके साथ कुछ मिलके काम कर रही हो, या आपके क्लाइंट हो, या आपके पार्टनर हो, ऐसा भी हो सकता है। बाकी वर्ल्ड कार्ड आया तो इन्हें आपके साथ कंप्लीशन दिखती है। दूसरी चीज़ यहाँ पर आया है किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, तो मुझे ऐसा लगता है ना कि कहीं ना कहीं इस पर्सन को ऐसा लगता है कि जैसी स्ट्रांग पर्सनैलिटी को ये कैरी किए है, वैसे ही आप हो, आप भी स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, क्लियर कट हो, और कहीं ना कहीं आपका भी ना काफ़ी क्लियर विजन है कि आगे क्या करना है, कैसे आगे बढ़ना है, खुद को लेकर भी आप क्लियर हो कि आपको अपनी लाइफ में क्या करना है, कैसी फैमिली चाहिए और किस तरीके से आगे बढ़ना है, और कहीं ना कहीं ये पर्सन तो है ही है, तो इसको ऐसा लगता है कि आप इसको कंप्लीट कर सकते हो, आपके साथ एक अच्छी फैमिली बनाई जा सकती है, आपके साथ फैमिली देखी जा सकती है। अगेन जो है एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, तो ये पर्सन ना बहुत ज़्यादा पैशनेट है, बहुत ही अट्रैक्टिव हो आप दिखने में, आप थोड़ा चाइल्ड लाइक एनर्जी वाले पर्सन भी हो सकते हैं, तो वो चीज़ इस पर्सन को अच्छी लगती है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मैच्योर है, तो इसको लगता है कि वो चीज़ को बैलेंस करने के लिए थोड़ी सी किसी सामने वाले पर्सन की एनर्जी जो है वो चाइल्ड लाइक होनी चाहिए, वो चीज़ें इसको अच्छी लगती हैं, ठीक है। अगर आप थोड़े इनोसेंट टाइप के पर्सन हैं, या फिर आप एक ऐसे पर्सन हैं जो रिस्क लेने से नहीं डरता है, तो वो चीज़ें उन्हें अच्छी लगती है, क्योंकि वो काफ़ी मैच्योर हैं, काफ़ी सीरियस हैं और सेंसिटिव हैं, बट इतना दिखाते नहीं हैं, इतना जल्दी किसी से अटैच नहीं होते हैं। हाँ, मैनिपुलेटिव किस्म के पर्सन हैं, तो इनको अच्छे से पता है किसको किस तरीके से इन्फ्लुएंस में लेना है, बट इन्हें आपकी ये क्वालिटी अच्छी लगती है, जिसकी वजह से ये ऑब्सेस्ड हुए हैं आपसे, कि आप लॉयल पर्सन हैं, रिस्क लेने से नहीं डरते हैं, कोई भी चीज़ को लेकर ना आप सीरियस होते भी हैं और नहीं भी होते,
मतलब आप सीरियस है जब आप काम कर रहे हैं, लेकिन इन केस वो चीज़ बिगड़ गई तो आप उस चीज़ को पकड़ कर नहीं बैठते, आगे बढ़ने की हिम्मत रखते हैं। साथ ही आपने जो भी अपनी लाइफ में कमाया है वो आपने खुद कमाया हो, सेल्फ मेड पर्सन हो आप भी, ऐसा भी हो सकता है कि फैमिली काफ़ी अच्छी है बट फिर भी जो आप कर रहे हो जिस फील्ड से आप हो उस फील्ड में आप खुद अकेले गए हो, या आपने जो कुछ भी अचीव किया खुद के दम पर अचीव किया, तो वो चीज़ें इन्हें बहुत अच्छी लगती है। दिखने में आप काफ़ी अट्रैक्टिव हो, काफ़ी सुंदर, क्योंकि यहाँ वर्ल्ड कार्ड की जो एनर्जी है डबल आई है और एस ऑफ वांड्स की भी, तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है अट्रैक्शन पैशन बहुत है इस पर्सन को आपसे, और कहीं ना कहीं इस पर्सन को ऐसा लगता है कि हम दोनों ही एक दूसरे के लिए बेस्ट रहेंगे और हम एक बहुत अच्छी फैमिली क्रिएट कर सकते हैं। तो वही रीज़न है जिसकी वजह से ये पर्सन बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है, कहीं ना कहीं ये आपकी बातों से, आपकी कम्युनिकेशन स्किल से भी बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है, क्योंकि जिस तरीके से आप बात करते हो, मे बी इस पर्सन का जो बात करने का तरीका है वो रफ़ और टफ टाइप का है, ठीक है, लेकिन इसको पता है कि कहाँ थोड़ा शुगर लगानी है, वो वाली चीज़ें हैं, बट ज़्यादातर नहीं, ये बहुत ज़्यादा रफ़ एंड टफ टाइप का पर्सन है। तो इसने ना आप में ये चीज़ नोटिस की है कि आप बहुत अच्छे वे में बात करते हो, बहुत बहुत सॉफ्टली बात करते हो, या बहुत क्लियर कम्युनिकेशन हो, काफ़ी इम्प्रेसिव हो, वो चीज़ें भी हैं। आप एक एनिमल लवर हो सकते हैं, स्पेशली डॉग। दूसरी चीज़ यहाँ पे मैं ये चीज़ें कह सकती हूँ कि आप जब भी इनसे कभी मिले हैं या इंट्रैक्ट किया है तो आपने सच ही बताया, वो चीज़ें इन्हें बड़ी ज़्यादा इम्प्रेस करती है, वही चीज़ें इन्हें और ज़्यादा ऑब्सेस करती है कि जब भी इन्होंने आपसे हेल्प मांगी या कुछ पूछा है तो आपने ऑनेस्टी के साथ बताया, वो चीज़ें भी हैं। दूसरी चीज़ आप दोनों के जो सपने हैं, जो विज़न है, वो एक जैसे हों, जैसे आपको कुछ करना है, आपको कुछ आगे बढ़ के करना है, बड़ा अपनी लाइफ में करना है, और वैसा ही कुछ सपना आप देख रहे हो, ऐसा हो सकता है। आप सेम फील्ड से हो सकते हो, सेम वर्क प्लेस पे हो आप, ऐसा हो सकता है, या आपकी स्टडी सेम हो, ऐसा भी हो सकता है। आपका इंट्यूशन पावर काफ़ी अच्छा हो सकता है, इस पर्सन का भी है मुझे ऐसा लग रहा है। दूसरी चीज़, आपको नॉलेज काफ़ी है, काफ़ी विजडम है आपके पास, और एक प्योरिटी दिखती है आप में, और वही प्योरिटी की वजह से ये पर्सन आपसे ऑब्सेस्ड है। आपका ड्रेसिंग स्टाइल काफ़ी अच्छा है, आप जितनी एज के हैं उससे कम दिखते हो, ऐसा हो सकता है। तो एक चाइल्ड लाइक एनर्जी भी है आप में, थोड़ा वो आपको ऐसा भी समझते हैं कि थोड़े फूलिश टाइप के पर्सन हो, तो ये आपको हैंडल कर लेंगे, वो चीज़ें इन्हें बड़ी अच्छी लगती है कि चलो मैं बहुत ज़्यादा समझदार हूँ, तो एक इंसान जो है थोड़ा कम हो, ठीक है, इनकी नज़र में, आप प्लीज़ बुरा मत मानना, तो वो बैलेंस हो जाएगा। दोनों ज़्यादा ही चतुर चालाक होंगे तो वो चीज़ें चलती नहीं हैं, है ना, तो वही चीज़ की वजह से ये पर्सन थोड़ा इंजॉय करता है आपकी जो भी एक्टिविटीज़ है, जिस तरीके के आप नखरे दिखाते हैं, जिस तरीके से आप एक्शन लेते हैं, वो चीज़ें उन्हें अच्छी लगती है। और दूसरी चीज़ कि आप डरते नहीं हैं कोई भी रिस्क लेने से, कुछ भी करने से, कोई भी एक्शन लेने से, बोलने से आप डरते नहीं हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल देते हैं, ऑनेस्टी के साथ बोल देते हैं, वो चीज़ भी उन्हें बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड करती है। सो या गाइज, मुझे यही दिख रहा है। और अगर मैं आपकी बर्थ डेट की बात करूँ, 3/12/21, 30/16/25, 8/10/19/28, और यहाँ पे हो सकती है 2/11/20, और यहाँ पे बर्थ डेट दिख रही है 5/14/23, यही मुझे बर्थ डेट दिख रही है। अगर मैं बर्थ मंथ की बात करूँ, जनवरी, फरवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर और नवंबर, यही मुझे बर्थ मंथ दिख रहे हैं। जो बर्थ मंथ और बर्थ डेट मैंने बताई, अगर वो रेजोनेट नहीं करती, स्टिल रीडिंग रेजोनेट करेगी। जोडियक साइन की बात की जाए, यहाँ फायर साइन बहुत ज़्यादा आया है, एयर साइन भी है, अर्थ साइन भी है और वाटर साइन भी है, तो जोडियक साइन यहाँ सारे ही मौजूद हैं। स्पेसिफिक जोडियक साइन नहीं बताऊँगी, और मे बी एंजल नंबर आपको 111 या 1111 बहुत ज़्यादा ही दिख रहा हो, तो आप गूगल करके मीनिंग देख सकते हैं। और या गाइस, आई होप रीडिंग अच्छी लगी होगी, रेजोनेट की होगी, की हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, मुझे ज़रूर बताना रीडिंग कैसी लगी। मैं मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग के साथ, तब तक के लिए बाय।